आज हम लोग एक भाई का सेटअप विजिट करने आ चुके हैं, जिस सेटअप का नाम है पीबी फार्म। तो चलो भाई का सेटअप विजिट करते हैं और भाई थोड़ी बहुत नॉलेज भी लेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और भाई के पास बहुत सारे बर्ड आप लोग देख सकते हो, पूरा सेटअप छत के ऊपर बनाया हुआ है भाई ने। तो चलो देखते और विजिट करते, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। और भाई आई थिंक वीडियो में तो नहीं आएंगे, थोड़े भाई ने ना बोला मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। तो चलो भाई की आवाज़ के साथ ही वीडियो को एंजॉय करें। तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, तो चलो देखते। तो गाइज अभी हम लोग सेटअप के अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे बहुत ही सारे बर्ड है। तो चलो आप लोगों को मैं बर्ड दिखाता हूँ और भाई के पास इनके बारे में जानो। ऑफलाइन टू यूविंग ऑफलाइन। ओके भाई, लव बर्ड के बारे में कुछ बताओ ना। लव बर्ड क्या है? ये हाई म्यूटेशन लव बर्ड है सब। ओके। और क्वालिटी बर्ड है आपके पास, मतलब मोस्ट ऑफ क्वालिटी बर्ड ही है ना सारे? हाँ सब क्वालिटी बर्ड ही रखता हूँ मैं। ओके, नॉर्मल बर्ड नहीं मिलेंगे आपको भाई। एक बार आप लोग क्वालिटी चेक करें, कितने ब्यूटीफुल बर्ड है। ये लुटिन ऑफिसर है, ये तो अल्बिन ऑफिसर। ओके, आप लोग देख सकते हो भाई। आप इनको डाइट में क्या देते हो, इतने सारे बर्ड क्वालिटी में? इसका क्या, मेरा हर रोज सुबह में सॉफ्ट फूड का एक डाइट है, वो हर रोज मैं देता हूँ वो लोग को। उसमें वो सॉफ्ट फूड में आपको मालूम ही होगा। हाँ, गेहूँ वगैरह रहता है। ओके, देख सकते हो आप लोग। और शाम को तो आप स्वीट्स देते होगे ना? हाँ, शाम को नहीं, मैं सुबह में ही देता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता शाम को। मैं ओके थोड़ा चेक करने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, आप लोग देख सकते हो भाई। ये कौन से बर्ड है? ये अल्बिनो कॉकटेल है और पाइट कॉकटेल है। पाइट और अल्बिनो। ओके, तो भाई आपका इस लाइन में एक्सपीरियंस कितना है? करीबन 6-7 साल हो गया भाई। 6-7 साल से आप इस लाइन में? ओके, आप लोग देख सकते हो भाई का ब्रीडिंग का ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। आप बर्ड का ब्रीडिंग ही करता हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हो अपनी चलती है वो। ओके, ये सब ये साल के चीक्स है सब। ओके, इस साल का ब्रीडिंग है। ओके, आप लोग देख सकते हो ये इस साल के ब्रीडिंग है भाई के पास। तो भाई अभी आपके पास टोटल कितने बर्ड हो गए? करीबन हो गए 200-300 बर्ड। 200-300 बर्ड। ओके, आप लोग देख सकते हो भाई के पास अभी काफ़ी सारे बर्ड है। मेरी थोड़ी आवाज़ कम आ रही है तो उसके लिए सॉरी, बर्ड्स का आवाज़ के अंदर थोड़ी हमारी आवाज़ दब रही होगी शायद। भाई इसमें काफ़ी सारे म्यूट्रिशन के बर्ड है ना? हाँ, उसमें मास वैरायटी के है, मास वैरायटी है, फिर ग्रीन ऑफलाइन है, फिर स्प्लिट इनो भी है उसके अंदर। ओके, आप लोग देख सकते हो भाई आपके पास टेम बर्ड होता है या वाइल्ड बर्ड होता है? सब वाइल्ड ही बर्ड है। सब वाइल्ड ही है। ओके, हाँ आप टेम नहीं करते, मतलब टेम बर्ड अपनों करते हैं लेकिन वो कॉकटेल ही स्किप करते हैं। ओके, लव बर्ड में, लव बर्ड ऐसे भी टेम नहीं हो पाते हैं जब भी आप टेम करोगे, लेकिन वो वाइल्ड ही हो जाएगा। ओके, टेम रहेगा नहीं ज़्यादा। ओके भाई, ये कौन सा बर्ड है? वो लुटिनो फिशरी है सर। लुटिनो फिशर स्प्लिट इनो है। ओके, आप लोग देख सकते हो लुटिनो फिशर भी है, उसके अंदर स्प्लिट इनो भी बर्ड है, वो अगले साल के चिक्स है। ओके ओके, देख सकते हो आप, होल्ड करके रखा हुआ है। तो भाई ऐसे बजरी के बारे में कुछ बताओ ना। ये बजरी अपने फैलोस बजरी से, उसके अंदर और वो लुटिनो रेडाइस बर्ड या बजरी है, उसके अंदर होगोरोमो है और 100 बजरी के चिक्स हैं। ओके, होगोरोमो मतलब हेलीकॉप्टर बजरी भी बोल सकते हैं? हाँ, हेलीकॉप्टर भी बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के भाई के पास बर्ड है। ओके, खैर सिर्फ अभी होल ब्रेक के लिए सिर्फ अलग कर देते हो। ओके, अभी सब बंद है ब्रीडिंग। ओके, काफ़ी सारे लोग कैसा होता है कि बर्ड के पास से ब्रीडिंग कराते रहते हैं, कटाई रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ओके, बर्ड को मतलब मशीन बना के नहीं रखना चाहिए। हाँ, बर्ड को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, अपने को भी नेचुरल देना पड़ता है। ओके भाई, इसमें कौन से बर्ड है? इसमें ऑफलाइन और पेल फेलो है, ग्रीन पेल फेलो। ग्रीन पेल फेलो बोलते हैं इसको। ये बहुत हाई रेयर आते हैं ना, हाँ, इसके रेयर भी होते हैं काफी। हाँ, रेयर भी है। ओके Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. देख सकते हो ये है होगोरोमो बजिस की पैर, देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल सी पैर एक। तो भाई ये कौन सा बजिस है? ये सो बजरी है। सो बजरी है, ओके। इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफी शानदार से आई हुई है, आप लोग देख सकते हो। शायद से 2-3 किट दिख रहा है और बाकी सब एक का हैचिंग चार्ज है, ओके आप लोग देख सकते हो। आई थिंक थोड़े दिन में बाकी सारे एक में से ही बच्चे आएंगे गाइस। तो ये देख सकते हो ये इस बर्ड का कितना खूबसूरत सा डार्क कलर है, एक बार चेक कर सकते हो आप लोग क्वालिटी वगैरह। बहुत ही बढ़िया बर्ड है, आप लोग एक बार देखो। सिर्फ भाई के पास जो है वो हाई म्यूटेशन में ही बर्ड है, आप लोग देख सकते हो इसका डार्कनेस, देखो इसकी टेल का ब्लू। तो देख सकते हो इस पैर का ब्रीडिंग प्रोग्रेस, एक बच्चा दिख रहा है और बाकी सब एक है, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो एक बच्चा और बाकी सब एक है, काफ़ी ब्यूटीफुल। तो भाई इसमें कौन कौन से कॉकटेल है? ये वाइट फेस का मेल है, ओके, और लुपिनो किसी मेल है, ओके, आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा ब्यूटीफुल से बर्ड है। फीमेल की एक बार साइज चेक करें, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अमेजिंग। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड है, यह भी है फ्लाई केज में, आप लोग देख सकते हो। कॉकटेल के मेल है, कॉकटेल के मेल्स है सर, आपने सर मेल को अलग कर दिया। खत्म होगा ना तब मैं तुम मेल अलग कर देते, फीमेल अलग कर दो, ओके, इसमें सारे मेल है। तो भाई वो वाइट वाला कौन सा? बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई, ओके, आप लोग देख सकते हो भाई के पास बटरफ्लाई में। और दूसरे कौन कौन से? इसमें बटरफ्लाई है, फिर अल्बिनोज है, फिर अपने अल्बिनो पाइट्स है, ओके। भाई जो बटरफ्लाई की असली पहचान होती है वो कैसे होती है? वो पूरा सा बीच में से मार्किंग रहता है पूरा, ओके, टाइप बटरफ्लाई जैसे। अभी है ये मिस मार्किंग वाले बटरफ्लाई, मिस मार्किंग वाले बटरफ्लाई, ओके। तो गाइस देख सकते हो इसमें सारी फीमेल्स है, भाई ने जैसे बताया वैसे फ्री फ्लाई के लिए छोड़ देते हैं अभी ब्रीडिंग सीजन ख़त्म होने के बाद। देख सकते हो ब्यूटीफुल से कॉकटेल। गाइस तो इसमें सारे 100 बजरी से आप लोग देख सकते हो, इसमें मेल फीमेल इकट्ठा है कि अलग अलग है? एक है, ओके, आप लोग देख सकते हो। गाइस आप लोग देख सकते हो इसमें लव बर्ड्स है काफ़ी सारी वैरायटीज के, ये भी जैसे भाई ने आगे बताया वैसे ये फ्री फ्लाई केज में। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये सारे भाई ने इस साल होल्ड किए हुए बेबीज, आप लोग देख सकते हो ये सारे बर्ड्स भी जो है वो फ्री फ्लाई के लिए छोड़े हैं भाई ने, इसमें रह के बड़े होंगे ऐसे, देख सकते हो आप लोग। आप लोग देख सकते हो ये भी सारे फ्री फ्लाई के लिए छोड़े हुए बर्ड्स है, आप लोग देख सकते हो इसमें सारे बर्ड रहे। काफ़ी बड़ा केज दिया है भाई ने, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा केज है, देख सकते हो आप लोग। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, हम लोग थोड़ा लेट वीडियो शूट कर रहे हैं इसलिए, देख सकते हो आप लोग बहुत ही सारे बजीज इसमें हैं।
प्राइस तो देख सकते हो, ये भी एक फ्री फ्लाइट केज है और इसमें बहुत ही सारे कॉकटेल और एक मेल और फीमेल बजी हुई आप लोग देख सकते हो। अरे थोड़ा ब्लड हो रहा है, देख सकते हो आप लोग क्वालिटी वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है भाई के पास। मैंने आप लोगों को भाई का ऑल ओवर सेटअप विजिट करा दिया, आप लोग देख सकते हो भाई के पास जो कुछ भी बस है वो मैंने आप लोगों को सारे दिखा दिया है और भाई ने ऐसा कुछ शानदार सा सेटअप बनाया है बस के लिए, तो देख सकते हो आप लोग, सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो नहीं तब के साथ। जय जय भारत, बाय बाय दोस्तों।